हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक आज इसी में। मैं आपका दोस्त प्रदीप आज आपके लिए फिर से एक बार नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कई यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा होगा कि वीडियो में नीचे की तरफ चलते चलते जो टेक्स्ट है वो चलता रहता है। आप भी चाहते होंगे कि आपकी वीडियो में ये सब आए, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें काइनमास्टर ऐप की ज़रूरत होगी। आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का जो आइकन होता है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमें 16:9 पे क्लिक कर देना है। 16:9 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया में जाके आपकी जो भी वीडियो है या फिर और कुछ, मैं आपको दोस्तों एक बार बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया है। दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे टिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको इस लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लेयर पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ब्रश का आइकन सा दिख रहा होगा, ये वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तब आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ऐसे दोस्तों फिर आपको यहाँ पे सबसे पहला ये वाला है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेना है ताकि जो पट्टी होती है वो रेड कलर में आ जाए। दोस्तों आपको मैं करके दिखाता हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसी शेप होती हैं दोस्तों। इसमें ये शेप ऐसी है कि यहाँ पे जो रेड कलर है वो पूरा डार्क हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। जैसे इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। इसको लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बना लेना है ऐसे लंबा दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। आपको फिर दोस्तों इसको थोड़ा और बड़ा साइज कर लेना है। और बड़ा साइज करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेट कर लेना है जितनी चौड़ी आप पट्टी लेना चाहते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने इतना ले लिया है। आपको दोस्तों फिर यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे दोस्तों जो भी आपको टाइप करना है वो इसमें टाइप कर देना है। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मैं एक बार लिख देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों जैसे कि मैंने ये लिख दिया है, फिर आपको ओके पे क्लिक करके आप दोस्तों इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसके जो भी थीम है वो फ़ॉन्ट है ये चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी लगा देता हूँ। एक बार ये लगा दिया दोस्तों मैंने। ये लगाने के बाद आपको दोस्तों इसका जो ये हैंड राइटिंग वाला है, आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जितनी देर तक आप इसको चलाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 13672 तक कर लिया है। फिर यहाँ पे दोस्तों इतना ये टेक्स्ट वाला कर लेना है। यहाँ पे कर लिया दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे आने के बाद शुरुआत में इसको दोस्तों आपको यहाँ पे लाइक को यहाँ पे ले आना है, आपके जो भी टाइप किया है। फिर आपको यहाँ पे एक ये वाला साइन दिख रहा है दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे दोस्तों जैसे ही, फिर आपको यहाँ पे आगे जाना है और लास्ट में चले जाना है दोस्तों। इसके लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे से जो भी टाइप किया था आपने, इसको ऐसे लास्ट की तरफ आपको यहाँ पे लास्ट में ले जाने के बाद दोस्तों फिर से इसी आइकन पर क्लिक कर देना है। इसी आइकन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप प्ले करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइक एंड सब्सक्राइब ये चल रहा है। जैसे ही दोस्तों ये यहाँ पे हाफ में पहुँच जाता है, आपको यहाँ पे इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करके ऊपर थ्री डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको हैंड राइटिंग को भी लंबा कर लेना है ताकि आपके जो अच्छे से टेक्स्ट है वो आगे तक चल सके। दोस्तों आपको जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वाला भी आ चुका है, दो हैं ये। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको लंबा कर देना है। इसको लंबा करना है और दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे तक यहाँ तक कर देना है।
अब मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, प्ले कर किया तो आप देख सकते हो लाइक एंड सब्सक्राइब ये यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे थोड़ी देर आगे जाने पर ही फिर से ये लाइक एंड सब्सक्राइब सामने आ जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ट्रिक, यदि ट्रिक पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।